बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ तुर्किश स्टाइल में, और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। ऑयल डाल लिए थोड़ा सा, बिल्कुल अभी डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑयल डाल लेने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, लो फ्लेम पे नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे रखना है। ये अखरोट डाले हैं पहले, इसको तोड़ लिया मैंने हाथों से, इसको तोड़ के इसको थोड़ा सा गोल्डन करने के बाद निकाल लूँगी। और थोड़े से काजू और बिल्कुल थोड़े से ही किशमिश, ठीक है, इनको हम गोल्डन कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको निकालूंगी। ऑयल तकरीबन है 5 to 6 टेबलस्पून। ये देखिए ये गोल्डन हो गया, अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। फ्लेम कर लिया मैंने लो, अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून एंड 2 okay. और मैदे को मैं अच्छे से भून लूंगी इसी ऑयल में जिसमें मैंने नट्स गोल्डन किए थे। ये गोल्डन हो जाए तो इसमें मैं ऐड करूंगी दूध, इसको भून लेना अच्छे से, इसका कच्चापन खत्म हो जाए लो फ्लेम पे। ये अब ये गोल्डन हो रहा है, काफी हद तक गोल्डन हो चुका है, कच्चापन ख़त्म करना है ना मैदे का, कि मैदे का बिल्कुल भी कच्चापन फील ना हो, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हाफ कप मैंने मिल्क ऐड कर दिए, अब इसको अच्छे से हिला लेंगे और साथ साथ इसके मैं ऐड करती हूँ क्रीम। सबसे पहले ऐड करूँगी मैं क्रीम, थ्री टू फोर टेबलस्पून डाल दीजिएगा क्रीम। ये चलिए इसमें क्रीम मिक्स करते जाएंगे, इसको हिलाते जाएंगे साथ साथ। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून वाइट पेपर, ठीक है। ये सॉस में जो चीज़ें ऐड करनी है, सॉल्ट हसबे ज़रूरत डालें, मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि चीज़ ऐड करनी है तो इसलिए चीज़ ऑलरेडी सॉल्टी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत नमक कम खाना पसंद करती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा बिल्कुल सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब हम सॉल्ट डालने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और ये सॉस करेंगे रेडी। अच्छा, इसको बिल्कुल वो नहीं करना, थिक नहीं कर लेना, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि ये सॉस बाद में ख़ुद भी गाढ़ा हो जाता है ठंडा होने के बाद, क्योंकि इसके बाद हमने चिकन की तैयारी करनी है। ये देखें जी, ये हो रहा है इसका सॉस रेडी। और यहाँ हम ऐड करेंगे 200 ग्राम चीज़, दैट्स इट। अब इसको फुल पकाएंगे नहीं, इसको बस हिलाने के
साथ ही फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं और इसको बंद करके रख देंगे, ठीक है। इसको फुल अभी पकाना नहीं है, दैट्स इट। ये करके और ये मैंने फ्लेम कर दिया इसको ऑफ, और बस अब मैं इसको साइड पे कर दूँगी, ठीक है जी। अब हम चिकन बनाते हैं। अच्छा जी, सॉस ठंडा होने के लिए रखती है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया और इसका फ्लेम कर लिया ऑन। अब इसमें डालेंगे ऑयल, ठीक है। ऑयल कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना। ये भी तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून है। यहाँ ऐड कर दिया मैंने चिकन, ठीक है जी। 800 ग्राम चिकन है, साथ ही इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जीरा साबुत और साथ में पिसा हुआ साबुत धनिया ग्रीन जो होता है, करियंडर पाउडर, वो ऐड करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल ये टेबल स्पून नहीं है, 1 टीस्पून के करीब है तकरीबन। ये ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, ठीक है। एक बड़े साइज का है ये, मैंने इसको ऐसे स्क्वीज कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं हद से ज़रूरत सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा। यस, और यहाँ मैं ब्लैक पाउडर यूज़ कर रही हूँ, चिली पाउडर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। अगर आपके पास वाइट ही चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर सॉरी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये 2 टीस्पून के करीब डालूँगी मैं। अब सब कुछ ऐड कर देने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और 5 to 7 मिनट इसको पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए जी, चिकन हमारा रेडी है। पानी मैंने पूरा इसका मुकम्मल ड्राई कर लिया, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली, 2 अदद बड़े साइज़ की। फ्लेम इसको ऑफ कर दिया मैंने। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती तो इसलिए 2 अदद मैंने काट के डाल दिया। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो ज़्यादा कर सकते, कम हो तो बिल्कुल 1 डाल दें। अब इसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसको असेंबल करते हैं कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब मैंने फ्लेम इसको ऑफ कर दिया है, दैट्स इट। इसको ये देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। ग्रीन चिली डालने के बाद जस्ट इसको कवर कर देना। चलें जी, अब शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे सर्व करेंगे। सबसे पहले जो मैंने चिकन का ये सॉस बनाया था, वाइट सॉस, सबसे पहले नीचे ये डालेंगे, हाफ, मुकम्मल नहीं ऐड करना, हाफ, ठीक है। और उस पैन में जो भी पैन है, कोई भी डिश है जिसमें आप सर्व करेंगे, वो देख लीजिएगा कि वो दोबारा उसको गर्म किया जा सके, चूल्हे पे रखा जा सके, ओवन में रखा जा सके, माइक्रो ओवन में, जिसमें भी आप गर्म कर सकें, डायरेक्ट चूल्हे पे रखा जा सके, उसी में आप उसको सर्व कीजिएगा, ठीक है। ये पहले मैंने इसको ऐसे कर लिए, ये सॉस है वाइट जो हमने रेडी किया था, ठीक है। हाफ बचा लिया मैंने। अब दूसरी तरफ जो चिकन है वो उसमें रखेंगे। ये रहा जी हमारा चिकन, स्टीम अभी निकल रही है। ये चिकन मस्ट ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा सबको, बहुत इंजॉय करेंगे। कोई दावत, कोई गेट टुगेदर है उस पर इसको बनाएं, इंजॉय करें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। ये
ये है इसकी। अब इधर बाकी जो मेरे पास सॉस था मैं वो इसमें ऐड करूंगी। रौनक और अब लास्ट में डालेंगे ये इसके ऊपर नट्स। ये है जी इसकी फाइनल लुक मज़ेदार सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मस्ट ट्राई करें, मज़ेदार सी डिश। टेक केयर, बाय बाय।